नमक सिर्फ आप आटे में डालें तो बहुत अच्छी बात है, किसी के जख्मों पे मत छिड़कें, ठीक है। Assalamualaikum everyone, this is your RJ Sayyeda Farhana Ali. आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और हम एक बार फिर आ चुके हैं एक नई रेसिपी के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये वाली जो रेसिपी है भाई, ये फरमाइशी रेसिपी है और हमारी एक बहुत ही अच्छी लिस्टर हैं मुश्क अली, उन्होंने फरमाइश की थी कि भाई बेसनी पराठे बनाना सिखाएं, तो आज हम आपको सिखाएंगे बेसनी पराठे बनाना। और ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को बेसनी पराठे बनाना भी आते होंगे, लेकिन हम बताएंगे आज हमारा तरीक़ाकार कि हम कैसे बेसनी पराठे बनाते हैं। तो चलिए किचन में और चल के बनाते हैं बेसनी पराठे। तो सबसे पहले बेसनी पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए आटा, जो कि हमने ले लिया है तकरीबन 2 कप, ठीक है, 2 कप आटा है। और आपको शायद लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बोल बहुत बड़ी है, लेकिन हमने 2 कप आटा ले लिया है। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 पाव यानी कि 1 कप 250 ग्राम बेसन, ठीक है। ये 250 ग्राम बेसन है, आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? इसको ऐड करेंगे इसमें, और इससे पहले आपने हाथ अच्छे तरीके से धो लेना है क्योंकि आपने आटा गूंदना है और आपके घर वालों की सेहत का ख्याल करना है, आपको घर वालों की सेहत का सवाल है। तो इसको हम रख देते हैं साइड में। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप आपने चॉप्ड प्याज डालनी है इसमें, बारीक बारीक चॉप कर लीजिए, वो हम इसमें डालेंगे। तो आज हमारे बनने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार बेसनी पराठे। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, आधा कप है तकरीबन ये, तो ये इसमें लग रहा है 1 कप है, आधा कप धनिया इसमें शामिल करेंगे चॉप्ड हुआ बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और हम इसमें ऐड करेंगे कोई 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, या आप अपने जायके के हिसाब से भी इसको शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। इसमें मिर्चें हमने ऐड कर दी हैं, और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे पिसे हुए मिर्चें 1 चाय का चम्मच या 1 खाने का चम्मच, आप हसब जायका इसको इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लिया है, तो हम हाथ लगा लेते हैं क्योंकि आटा गूंदेंगे, तो इसलिए भी मुँह पर तो हमें कहीं हाथ नहीं लगाना, ठीक है। तो साथ साथ नमक आप हंसब जायका ले लीजिए, मैंने यहाँ पर लिया है नमक 1 खाने का चम्मच। नमक सिर्फ आप आटे में डालें तो बहुत अच्छी बात है, किसी के जख्मों पे मत छिड़कें, ठीक है। और इसको हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और साथ ही साथ इसको मिक्स करने के बाद हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हम इसको गूंदेंगे, और गूंदने के लिए हमने पानी ले लिया है, सो हम इसको गूंदने के बाद आपसे मिलते हैं। सो आटा हमने गूंद लिया है, इस तरह की शक्ल हो गई है इस आटे की, ठीक है। आपने भी ऐसे सफाई से आटा गूंदा है जैसे मैंने सफाई से, बिल्कुल एकदम प्यारे सुघड़पन से मैंने आटा गूंदा है, आपने भी ऐसे आटा गूंदा है। और अब हम इसके बनाएंगे पेड़े, और पेड़े बनाकर फिर हम इसके पराठे बना लेंगे, ओ ये। सो हमने इसकी पेड़े बना लिए हैं, देखें पेड़ों का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, और आपने ये जो पराठे बनाने हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, छोटे बनाने और थोड़े से मोटे बनाने, वरना आपको बेसनी पराठों का बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं एक आपको बेल के दिखा देती हूँ कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ी सी खुश्की लगा ली है, और हम अब इसको बेलेंगे। तो देखें ये मैंने बेल लिया है पराठा, और ये इसका ऐसा साइज़ है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आटा गूंदने के फौरन बाद ही पराठे बनाना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से इसकी शक्ल थोड़ी सी ऐसी है। आप आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दीजिएगा, उसके बाद जब आप पराठे बनाएंगे तो वो बिल्कुल गोल बनेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे, तो फिर आपको साइज़ का और शक्ल का भी कोई इशू नहीं होगा। ये देखें इसका गोल्डन कितना खूबसूरत आना शुरू हो गया है। सो ये तैयार हो रहे हैं बेसन के पराठे, और ये देखिए क्या खूबसूरत शक्ल निकल के आई है इसकी, वाह भाई वाह, आप खा के कहेंगे क्या ज़बरदस्त पराठे हैं, क्या लजीज पराठे हैं। पराठे हमारे हो गए हैं रेडी, सो लेट्स गो एंड ईट। सो भाई देखिए पराठे तैयार हो गए, तो हम इसको टेस्ट करते हैं। और आज आप देख रहे होंगे मेरे हाथों पे जो है वो नेल पॉलिश नहीं, तो उसकी वजह ये है कि हम अपने घर वालों को नेल पॉलिश नहीं खिलाना चाहते खाने के साथ। तो चलें जी लेट्स ट्राई हाउ इट इज़ एंड
वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, ऑसम, कितने जबरदस्त पराठे बनाए मैंने। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सो पराठे तैयार हो चुके हैं और बिल्कुल गर्म हैं, अब हम खा लें क्योंकि हम थक चुके हैं पराठे बनाने के बाद। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा फीडबैक में कि कैसे बने थे और नेक्स्ट वीडियो हम क्या बनाएं, नेक्स्ट रेसिपी हम आपके साथ कौन से शेयर करें, ये भी आप हमें बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ नेगेटिविटी वालों ज़रा दूर रहो, फेंकी फेंकी। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आ जाएंगे आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना अपने प्यार रखिएगा बहुत 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 ही ज्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखिएगा बहुत ही ज्यादा ख्याल। फरहाना इस्माइली साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट।